हेलो दोस्तों, आपका एमके स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एमके स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की गई है, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यह क्लास आपकी रोज़ शाम 6 बजे एमके स्टडी चैनल पर शुरू की गई है। इन क्लासों की पीडीएफ एमके स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से एमके स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी आगामी बढ़ती परीक्षाओं की तैयारी को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह पेपर इंडस्ट्रियल ऑफिसर 2018 का है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 24 जून 2018 को कंडक्ट करवाया गया। इस पेपर का कोड 38 है। आइए इसमें जानते हैं कि राजस्थान जीके की कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। खो दरीवा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खानों के लिए, लोहा अयस्क खानों के लिए, चूने के पत्थर की प्रचुरता के लिए, या कोयले की खानों के लिए? ऑप्शन ए, तांबे की खानों के लिए। नाथरा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार पाए जाते हैं? सीसा, टंगस्टन, लोहा या तांबा? ऑप्शन सी, लोहा। निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है? मेगरा, मालपुरी, बागड़ी या नाचना? ऑप्शन डी, नाचना। से ही परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? जवार सागर बांध, हरिके बांध, जवाही बांध या गांधी सागर बांध? ऑप्शन सी, जवाही बांध। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कठोर मौसमी परिस्थितियाँ, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन या अम्लीय भूमि का प्रयोग करना? ऑप्शन डी, अम्लीय भूमि का उपयोग करना। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार के जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? अरावली के उत्तर का भाग, अरावली के दक्षिण का भाग, अरावली के पूर्व का भाग या अरावली के पश्चिम का भाग? ऑप्शन डी, अरावली के पश्चिम का भाग।
रोटू राजस्थान के किस जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू या नागौर? ऑप्शन डी, नागौर। अंगूचा गोलापुरा खनन क्षेत्र निम्न में से खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? जिंक और सीसा, मैग्नीज और मैग्नीशियम, लोहा और निकल या चांदी और सोना? ऑप्शन ए, जिंक और लोहा। नोहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? रावी ब्यास, सतलुज, बीसलपुर या पांचना? ऑप्शन ए, रावी ब्यास। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? बोराट का पठार, मेसा पठार, उड़िया का पठार या दक्कन पठार? ऑप्शन सी, उड़िया का पठार। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहा जाता है? लू, गरज बौछार, मावठ या ओलावृष्टि? ऑप्शन सी, मावठ। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है? डार्क ट्री को, साल ट्री को, खेजड़ी या पलाश? ऑप्शन सी, खेजड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क? ऑप्शन ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? ब्यास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना या माही बजाज सागर परियोजना? ऑप्शन सी, भाखड़ा नागल परियोजना। कानड़ द्वीप प्रबंध का लेखक है पद्मनाभ, बीशल देव रासो, कुमार रासो या प्रताप सिंह? ऑप्शन ए, पद्मनाभ। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या
कितनी थी? 80,000, 10,000, 40,000 या 16,000? ऑप्शन ए 80,000, पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? मेड़ता, वृंदावन, पुष्कर या नाथ द्वारा? ऑप्शन डी नाथ द्वारा। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का अवतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी या तेजा जी? ऑप्शन सी रामदेव जी। बिमला और लूना बस्ती मंदिर निम्न में से किस स्थान पर बनाए गए? देलवाड़ा, झालाना, चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा? ऑप्शन ए दिलवाड़ा। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में की गई? अजमेर, जयपुर, जोधपुर या अलवर? ऑप्शन डी अलवर। अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? नागौर, अजमेर, जालौर या चित्तौड़गढ़? ऑप्शन ए नागौर। रावण हत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है? नारियल, इस्पात का बर्तन, कांच का बर्तन या नीम की लकड़ी? ऑप्शन ए नारियल। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया? कपड़े की छपाई, मीनाकारी, पीतल पर मुरादाबादी या ब्लू पोटरी? ऑप्शन बी मीनाकारी। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? पीपा जी, धन्ना जी, जाम्बोजी या सिद्ध जसनाथ जी? ऑप्शन सी जाम्बोजी। अठारह सौ तिरासी में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? संप सभा, नीमड़ा सभा, मीणा क्षेत्रीय महासभा या परोपकारिणी सभा?
ऑप्शन ए संप सभा, वंश भास्कर को किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया? कृष्णा रुक्मणी, मान सिंह, राय सिंह या सूरजमल मिश्रा? ऑप्शन डी सूरजमल मिश्रा। निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं था? देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक या राजपूताना गजट? ऑप्शन डी राजपूताना गजट। दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से रहा है? पुष्कर, सालासर, खाटू श्याम या गोगा मेडी? ऑप्शन ए पुष्कर। भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 25, 19, 22 या 29? ऑप्शन सी 22। एक नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष कहलाता था? महामहिम, महाराजा, अधिराज, गवर्नर या राज प्रमुख? ऑप्शन डी राज प्रमुख। निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? श्री जगन्नाथ पाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरा लाल देवपुरा या बरकतुल्ला खां? ऑप्शन सी हीरा लाल देवपुरा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में पहले जो भी समाप्त हो, 62 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु दोनों में पहले जो भी समाप्त हो जाए? ऑप्शन बी 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में पहले जो भी समाप्त हो। मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? राजसमंद, बांसवाड़ा, अलवर या बीकानेर? ऑप्शन बी बांसवाड़ा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष
किया गया 1991, 1992, 1993 या 1994। ऑप्शन डी जुलाई 1994। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किस समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका सदस्य कौन नहीं होता? मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश।